नबी का गुलाम होने के नाते ये दर्द भारत के हर मुसलमान को है। बेटियों के जुल्म के खिलाफ कानून बनाने के लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन जिस कानून से बेटियों की आबरू की हिफाजत हो उसको छूने में डर लगता है। इसलिए कि लोगों को मालूम है कि उस कानून का इस्तेमाल करेंगे तो एक राष्ट्र को कई राष्ट्र बनाने वाले हिंद राष्ट्र। अच्छा, एक से एक आइटम हमारे ही देश में है। अब कोई पर्ची निकालता है? मैं अकेले काफी हूँ यार, हजार भेड़ियों से निकलने पर्ची निकालता। अच्छा, ये निकलवाने वाले पर्ची कोई जाहिल नहीं, मैक्सिमम पढ़े लिखे हैरत हो कि जो एग्जाम का पर्चा निकालता है वो अपने भविष्य की पर्ची निकलवा लेंगे। जहन को हासिल तब इदारे शरिया ने तय किया हुल्ला बोल के लिए उतरो सड़कों पर। हमारा आलिम चीख चीख करके थक गया, छाती पर बोझ लेकर जमीन की गोद में सो गया। मुसलमान तेरी सेहत पर कोई असर नहीं था। और मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, आलिम लीडर हो। अरे जब इमाम बर्दाश्त नहीं है आप ही के सीमांचल का हादसा है। जमीर जिंदा हो मरा ना हो तो बर्दाश्त करने की हिम्मत हो तो सुनो। 3 साल पहले एक जिला में तलवार बांटी गई, जिनको आप सोरमा और तोप समझते हैं उनकी जबान खुल नहीं रही थी, लेकिन यही मदरसे का पढ़ा हुआ रईसुल कलम का पढ़ा ताजु शरिया की दुआओं की। मैंने उस गुंडे से कहा था, गुंडे तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। सबसे पंगा लेना, मौलवी से पंगा मत लेना, वरना लामा फजल हक खैराबादी बन के निकल जाएगा। मैंने बिहार के वजीर आला से कहा कि 6 घंटे का मौका है, हिसाब या तो कर लीजिए वरना मैं चला। मालूम है पहुंच जाओ जाएगा ये तो कैसे हिसाब होगा। उठा दिए गए, 2 दिनों तक 3 दिनों तक बलिया भी सोया नहीं। रात बीत जाती थी, 3 बज जाते। हाँ, मैं शुक्रिया अदा करूं कि उस वक्त वजीर आला नीतीश कुमार के लिए 3 बजे तक सो पाते थे। जब चारों तरफ से फीडबैक ले लेता, फैजाना मुन्ना से, इधर सुनौली से, इधर कदवा से, इधर चांदपुर से, उधर आजमनगर से, चारों तरफ से जब खबर आती थी पीसफुल तब होता था कि अब आप भी सुने मैं भी फजीलबाद सुनू। लेकिन अब मातम करो और सर पीटो अपने हाथ से। जिसने बारूद रख करके फूंकने की कोशिश की उसके दफन के लिए जब मैं रास्ता हमवार कर दिया तो उसने मेरी कौम के लोगों की कीमत लगा दी, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000।
जी साहब मैं तीन दिनों तक होश में नहीं थे, पैसा भी देता था तो हाथ में नहीं कुरान शरीफ पकड़ता था और कहता था मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन तुम्हारे कुरान पर रख दिया। मैंने सुना है कि मुसलमान कुरान के साथ गलत नहीं करते, तो जिस कौम को तुमने अपना दर्द का बड़ा कुछ समझा था उसने कीमत लगा दी और जब वो जीत कर गया तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख के कह रहा कि आप जीते या मेरा पैसा जीत गया। मतम करो, किसके लिए लड़ोगे, किसके लिए लड़ोगे, क्यों कोई तेरे लिए चीखेगा। जिस काम के जिस नबी के गुलामों को कोई हुक्मरान न कर सका, आज उस मुस्तफा के आशिकों को चंद सिक्कों में खरीदा जाता है और बिकने वाला सही बिका है इसके लिए कुरान को गवाह बना देता है। कर्जी साहब कभी कभी लगता है कि मेरे अल्लाह कोई बड़ा अजाब कब उतरे, कब उतरे। मेरे अजीज, अगर तुम जानवर की औलाद हो तो तुमसे कोई शिकवा नहीं है, जानवर की कोख से पैदा लिए हो तुमसे कोई शिकवा नहीं है, जानवरों का खून अगर तेरे वजूद में दौड़ रहा तो बलिया में कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर ईमान वाली मां की कोख में पैदा लिए हो, ईमान वाले बाप के खून से पैदा लिए हो तो अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत की भी हुक्मरानों से मत मांगो। तुम अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत खुद करने के लिए खड़ा हो जाओ और इसके लिए तुझे न कोई लंबा वजीफा करना होगा न तुझे कोई मेहनत करनी होगी, सिर्फ दो काम करना है, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को आसान कर दो, ताकि बेटियां बाप की गरीबी के कंधे की बोझ न बन सके। और माफ करना, बेटियों की आबरू का सौदा गरीबों ने नहीं किया, रे ईमानदारों ने किया, जमींदारों ने बेटियों की आबरू पर बुलडोजर चलाया, जमींदारों। काजी साहब कल बारात आती थी तो स्कूल मदरसे में दरी पर बिठाए, गुड़ का शरबत या चीनी का शरबत बहुत ज्यादा तो रुहावजा डाल के दिया, बोलो सही है, बोलो जोर से, बोलो जोर से, बोलो ना। अच्छा मान लो आप कहीं मेहमानी में जाओ, आपके इलाके में तो मेहमानी खाने की बीमारी है, नौ दिन तक, अरे अब वो दिन पुराने वाले नौ दिन के थे, अब तो ऐसे ऐसे हर आदमी हो रहे निकाह के बाद वही पड़ेगा। बेटी में लगते बोलो सही है, पहले अरे जोर से बोलो, तो शर्म आती है कि नहीं, खूब नारा लगाओ, क्या जुब्बा फाड़ तकरीर हुई साहब, वाह वाह क्या आपको जलसा कामयाब हुआ, मरोगे मरोगे। मेरी अजीज बचा लो, बंद करो ये टेंट माइक लाइट सब बंद करो। हाँ मुझे फख्र है काजी साहब के जहां जहां से इदारे शरीयत तहरीके बेदारी का कारमा गुजर गया ढंग से, मालूम मेरा अजीज आए हुआ मोहल्ला से, जब आवाज दिया बलिया में तो तकरीबन 450 मेरा जवान खड़ा हुआ
और किसी की हिम्मत है तो जरा सा डीजे बाजा के साथ उस इलाके में बराती को चलो। हमारे बच्चे निपटा देंगे उस बारात को। और झारखंड का तो आलम यह है कि अगर किसी ने गलती से मालूम कर लिया कि इसने अपना बेटा एक मोटरसाइकिल और 2 लाख में बेचा है तो चोर की तरह उसको जाना पड़ेगा बहू लाने के लिए, बारात लेके नहीं जा सकते। बलिया भी अपने लिए कुछ नहीं मांग, अपने काजी के लिए कुछ नहीं मांग, मुसलमान तुझसे तेरी आने वाली नस्लों के लिए मांग। दे सकते हो तो दे दो, दौलत मत दो, पैसे मत दो, सिर्फ एक चीज दे दो, छोड़ो दुनिया में कौन क्या कहेगा, छोड़ो जितने आए हो सिर्फ आप तय कर लो कि कोई बदले ना बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं। इंसान कोई बदले ना बदले, आज मैं बदल के जा रहा हूं इंसान। लेकिन मुझे ये भी पता है मुफ्ती साहब कि आपके इलाके में मौलाना लोग सबसे पहले बाइक और नकदी के लिए निकाह में खेलते हैं। एक नहीं हजारों केस से जाए। कमाल। अच्छा एक बात मैं पूछू, बस आखिरी बात, ज्यादा देर बोल दिया रे, अभी बोलना है। अरे यार मैं तकरीर करने आया हूँ, अपना अगला उर्स कराने थोड़ी आया। अच्छा पूर्णिया में तहरीके बेदारी का इजलास होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो? पक्का? हाथ उठाए रखो, उठाए रखो, पक्का होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। देख दूसरे का झंडा लेकर तो तू रोज निकलते, एक बार मेरे आका की इज्जत का झंडा लेकर लड़ाई तो होगी। बलिया भी सुनता नहीं है, देखता बहुत तेज है, नशा फटे। मैं जानता हूं कि 10 ग्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है, 10 ग्राम दूध के लिए 1 लीमू काफी है, 1 लाख भेड़ियों के लिए 1 कादरी फकीर का कुरान काफी है। लिखूंगा जब चाहे तब मेरे बच्चों को मार दे। एक बेईमान सेकुलर जबान नहीं खोलता। हमारी बेटियों के निकाब देखकर सीटियां आ रही, मेरी बेटियों के अंदर के हया की चादर पुकार पड़ती है, खबरदार बाजू में बताना। लेकिन मुझको बता मुसलमान, कोई पागल हो गया है जो तेरी औलादों के लिए सड़क पर उतरेगा? है हिम्मत जो किसी दलित आदिवासी की बेटी को आंख दिखा दे? एक बच्चे के सर पे पिशाब की अधूरा भारत खड़ा हो गया। रोज मेरी औलादों के सर पे पिशाब किया जाता है, मेरे वोट के सौदागरों की जबान कभी नहीं थी। और ये बात बलिया भी बोले तो
तो कुछ दाढ़ी वाले खरीद के टीवी पे लाए जाते हैं और उन कुत्तों से भौंकवाया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जिन हड्डियों को तुम चिबा रहे हो उसे तेरे दांत तो घिस सकते हैं रे, खून में इजाफा नहीं हो सकता, लेकिन ईमान वालों की सूखी रोटियों में आज भी तासीर बाकी है। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिलावार निकले। काजी साहब को बोला वह वक्त नहीं है, टोटल अब आपके पास आज ही कल ही दिन भर में बैठा हूं। और डॉक्टर अमजद साहब को मौलाना कुतुबुद्दीन साहब दोनों की जिम्मेदारी लग गई है, जिले की मीटिंग पूर्णिया की जल्द बुलाने का इंतजाम कीजिए। जितनी मस्जिदों के अइमा और मुतवल्ली हैं उनको और जितने गांव के मदरसे और मकतब के जिम्मेदारान हैं उनको, और एक लाल कलम भी जरूर रखिएगा जो इस मिशन में शरीक ना हो उनके नाम और उसकी लिस्ट के साथ आवाम की अदालत में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि आज किसी दलित के बेटा और बेटी और उसकी जमीन पर कोई एक बांस गाड़ दे, चार सतर लिख के देगा दलित एक्ट लग जाएगा, घर छोड़ के भागो। बोलो सही है कह रहे, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन जिस चौराहे पर चाहो मुसलमान के बेटे और बेटियों को पटक के जूते से मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पलियाबी ने तय किया, तब इदारे शरिया में आदिमों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है भारत में बढ़ती हुई नफरत, लुटती हुई आबरू, मेरे बच्चों का मॉब लिंचिंग, कानून के मुहाफिजों की चुप्पी अब इस बात पर मजबूर कर रही है कि जिस तरह भारत में दलित और आदिवासी भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना, अब जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की इज्जत आबरू जान माल की हिफाजत के लिए उन्हीं दफात और धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। लेकिन ये लड़ाई आपकी न लालू लड़ेंगे, न नीतीश जी लड़ेंगे, न राहुल लड़ेंगे, न सीपीएम लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, आपको लड़ना होगा। एक चंद्रशेखर रावण खड़ा हो गया तो उसकी कौम उसके पीछे खड़ी होगी। बोलो सही है, जोर से बोलो। लेकिन जो कौम 100 और 200 रुपये में वोट बेचेगी ना, लिख लो उनके बेटों का कोई मुस्तकबिल नहीं खरीदेगा, जूतों से रौंद कर गुजर जाए। और इस वक्त तो आप आईसीयू में हो, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आए, इसलिए कि लोगों को मालूम है कि ये जाएंगे और वही वक्त होगा दीवार गिराने का कि तुम अपने खानदान के लिए कहीं जा सकते हो तो हम भी अपने बेटों के मुस्तकबिल के लिए कहीं जा सकते हैं। और जब ये चिंगारी भड़केगी तब आपकी इज्जत और अहमियत समझ में आएगी। तो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर का लास्ट, नवंबर के फर्स्ट में अररिया का डेट पड़ेगा, इसलिए हजरत आपसे अब गुजारिश है कि जिनको जहां से भी बुलाएंगे एक लिस्ट पहले बनवाइए, इसलिए कि इस इलाके से ज्यादा मायूसी हुई है बलियाबी को यूसीसी पर,
और एक से एक काबिल लोग हैं सर। ऐसी ऐसी जलील दलीलें दे रहे थे कि हम ही क्यों उतरे, ये तो देश भर के लिए पहले दूसरे उतरे। आप मुझे मालूम था कि आदिवासियों के डर से ये उसको इससे अलग करेंगे, क्रिश्चियनों से ये बगावत नहीं लेंगे, अमरीका 100 जूते मारेगा। और देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने के लिए मुसलमानों को टारगेट करेंगे। और प्रोपेगेंडा ये किया जाता है साहब कि मुसलमान चार चार बीवी रखता है। आपके कस्बा में कोई एक मुसलमान बताओ जिसकी चार बीवी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कमाल। वही जानवर बिहार में अम्मा, ये समझे कि नहीं समझे? ये वाला तो ज्यादा समझे, इसलिए सबसे ज्यादा नशा इसी में। अब वही जानवर गोवा में भोजन है, और हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं। आपके इलाके से भी गुजरते हैं। अब भारत के पार्लियामेंट में भी ढेर नंगे एक साथ आए थे, तो बलिया भी कहता है एक कानून बनाकर क्या मनमोहन सिंह की पगड़ी उतरवा दो, क्या उनका कड़ा निकलवा दो। इस बिहार में अगर एक गैर मुस्लिम दूसरी शादी कर ले तो कानून कोड़ा मारे, और उसी गोवा में अगर एक मरद को सिर्फ 2 बेटी हो जाए तो बेटा के लिए दूसरी शादी कर सकता है, क्या गजब की बात। और इसी भारत में आसाम को, मिजोरम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर, 7 सीटर एरियाज में बेटों के नाम से कोई जमीन नहीं होती, सारी जमीन बेटियों के नाम से। तो क्या कानून बदल करके वहां भी बेटों को हिस्सा दोगे? क्या कानून बदल करके जो जानवर यहां अम्मा है गोवा में भी अम्मा बनाओ? क्या गजब की बात। माफ करना, आज पूरी दुनिया का कुफ्र डरा हुआ है इस्लाम से। मुसलमान से डर नहीं लग रहा, इस्लाम से डर लग रहा, इसलिए कि कुफ्र ने इस्लाम की तारीख पढ़ लिया है कि जब जब मुसलमान गरीबी में आया है तब इस्लाम का चिराग उजालों से जला है, इसको रोका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते इस्लाम, मजहबे इस्लाम। इसलिए इस्लाम को पूरी दुनिया में टेररिज्म करके बदनाम कर दो, जुल्म का मजहब करके बदनाम कर दो, जबर का मजहब करके बदनाम कर दो, कैद का मजहब करके बदनाम कर दो, ताकि लोग करीब न जाएं। तेरे बलिया में पार्लियामेंट में छाती ठोक के कहा था, हिम्मत है, हिम्मत है तो सिर्फ एक बार कुरान सुन लो, सुन लो एक बार, सुन लो, सुन लो। मैं जानता हूं कि जो कारी नहीं है, जो आलिम भी नहीं है, जिसको कुलवल्ला शरीफ भी मखरज के साथ पढ़ने नहीं आता, उसकी भी फूंक का इंतजार मगरिब बाद लाइन लगा के लोग।
बोलो सही है कि गलत। तो जब एक कनपड़ की फूक के लिए कुफर लाइन लगा दे तो कुरान सुनने के बाद जब कल का उमर बदल सकता है तो आज का मोदी भी बदल सकता है। आशिकों से कभी पंगा मत लेना। तो अब यहां जितने लोग आए हो इसमें कोई ऐसा बाप बैठा है जिसका बेटा कुंवारा हो? हम उस बाप को देखना चाहते हैं जिसका बेटा कुंवारा। हाथ मत उठाइए, मर्द की तरह खड़ा हो जाइए, फख्र से बोलिए मेरा बेटा कुमारा है, खड़ा। इतने बड़े मजमे में एक ही बाप है जिसका बेटा कुमारा है, खड़ा रहिए। आपसे काम ये तीन बस आप लोग खड़े रहिए ताकि मैं उन लोगों की उन्हीं के आईने में उनकी शक्ल दिखलाना चाहता हूं। जुमलों से नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदलता है, अमल से नस्लों की तकदीर बदलता है। ये टोटल तीन आदमी खड़े हुए जिनका बेटा कुमारा चार। और कोई है जिसका बेटा कुमारा है तो उठने में क्या देर है, सौदा नहीं किया है तो खड़ा हो। अगर बेटा बेचा नहीं है तो खड़ा हो, और बेटा बेचने की ठान लिया है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस बीजा खड़े रहो, ये बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। ये सिक्टी से आया जी, जी बिल्कुल। ये इतने बड़े मजमे में दो इधर तीन, अच्छा वो लोग जो खड़े हैं तुम्हारे बेटों के पास खड़े, कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू, या तो बैठ जाओ या तुम्हारा बेटा हो तो पढ़ो। इतने बड़े मजमे में दादी साहब ये सिर्फ पांच छह निकले जिनका बेटा तुम्हारा। अब पहले स्टेज से तो मैं नहीं करूं इसलिए कि मैं जानता हूं कि हमारे काजी साहब का पोता खुद तुम्हारा। ये पांच छह आदमी हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलो ना, चाहते हैं? तो एक बात बता दीजिए, आधे मिनट की बात तब बैठिए। मान लीजिए आपने 5 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल का दामाद खरीदा, रिश्ता नहीं, दामाद खरीदा, एक बुलेट और 5 लाख, पलंग सोफा टीवी फ्रिज पंखा वॉशिंग मशीन। अरे मुसलमान जब सब कुछ दे ही दिया तो कफन भी दे दो, और कफन पहले दो। बोलो कि जब सारा सामान दे रहे हैं तो मेरी बेटी भी मेरा ही कफन पहन के जाएगी। दिया लेके ढूंढोगे नहीं आने वाला है वो दौर। तो
तुम सब दे दो। यही सोच के दिया ना कि जमींदार का बेटा है, कोठी वाला, मकान वाला, नौकरी कर रहा, जमीन बेच के दिया, कर्ज लेकर दिया। काजी साहब सूद पर पैसे लेकर लोगों ने बेटे वालों को नकदी दिया है, सूद पर बचा सकते हो तो बचा लो। काजी साहब शबे बारात से पहले आपका बलिया भी होश नहीं था, रात को मेरे मोबाइल पे 2 बजे फोन आया, तकलीफ कर रहा था, मोबाइल उठा नहीं सकता। जब गाड़ी में बैठा हूं तो वापस फोन कर रहा हूं, 10-20 कॉल लगी थी, जब बैठ किया हूं तो एक लड़का उठा रहा। मैंने पूछा कौन, वो लड़का रोते हुए जवाब देता है, मेरे अब्बू फोन किए थे। अब मेरे अब्बू इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा बेटे क्या हुआ, लड़के ने बताया आज मेरी बहन की बारात आई थी, कर्ज लेकर अब्बू के बारातियों के खाने के इंतजाम किए, 10 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बू को भरे मजमे में लड़के के बाप ने भीख मांगा था, मेरे अब्बू सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक। मैंने लड़के से कहा कि बेटे घबरा मत, मैं सुबह आदमी भेजता हूं, कौमी इत्तेहाद मोर्चा के लड़कों से मैंने कहा बेटे उस गांव में उस बारात को देख, जहां कचरा फेंका हुआ देख, वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चों ने जवाब दिया हजरत यहां गोश्त और चावल इतना फेंका है कि अभी 20 आदमी खा सकते। अगर गैरतदार माओ के दूध पिए हो तो अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना, अगर 5 लाख और चंद सामान से तेरे दिन कट जाए तो एक बेटे को 20 बार बेच ले, बेच ले। लेकिन याद रख, दामाद खरीदने वालों याद रखो, अपना ईमान मजबूत कर। तूने 5 लाख एक बुलेट पर दामाद तो खरीद लिया, फ्रिज दिया, टीवी दिया, सोफा दिया, पलंग दिया, सब दिया। तेरी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तेरे दामाद को हार्ट अटैक आया, मर गया। क्या तेरी बेटी उस घर में जिंदगी बिता सकेगी? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, बिता सकेगी? क्यों? तो आपका जवाब होगा दामाद ही जब नहीं है तो जिंदगी किसके साथ बीतेगी? ईमान मजबूत कर, लड़के वाले का मकान देख के मत रिश्ता कर, ईमान देख के रिश्ता कर, हवेली देख के रिश्ता मत कर, ईमान देख के रिश्ता कर, तब बलिया भी कहीं तक तावीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा को सुधारने के लिए तावीज नहीं मांगना पड़ेगा। गरीबी देख, छप्पर देख, नफरत मत कर, मोहब्बत कर, उसी छप्पर में बहू मत देख, बीवी मत देख, सैयदा फातिमा की कमीज देख, सैयदा फातिमा की कमीज देख। लड़की सैयदा फातिमा की कमीज हो और लड़का इमाम हुसैन का गुलाम हो तो पैदा होने वाली औलाद को कोई माई का लाल, आंखें लाल करके दिखाकर डरा नहीं सकता, उसकी भवों के रोब से बड़े बड़े रोस्तम पानी की तरह बहने लगेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमले गैब की तौफीक नसीब करे। यार जिंदा सोबत बाकी।
अल्लाह रब्बिस जलाल हमारे मौलाना कासिम कारी नासिर रज़ा को करवट करवट जन्नत अता फरमाना, उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाना। रब्बिस जलाल मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाना, मेरी कौम की बेटियों की हिफाजत करें और मेरी कौम के लोगों को अपने सलीम अता फरमाना। खुदा हाफिज़। सलाम बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका है फर्शे जमीन व अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। हजरात, बहुत अदबी गुफ्तगू, मालूमती गुफ्तगू। शमशीर आला हजरत